रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उगरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी के इन दो पंक्तियों में पानी के महत्व को समझाया गया है, क्योंकि पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बेहद अहम होती है। जनता टीवी ने पानी की समस्या को लेकर मुहिम शुरू की है और इसमें आज हम गुरुग्राम की बात करेंगे। गुरुग्राम के लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। न्यू कॉलोनी के लोग पिछले एक महीने से टैंकर का पानी मंगवा कर पीने को मजबूर हो रहे हैं। नगर निगम के तमाम अधिकारी मौके पर आकर जायजा भी ले चुके हैं, लेकिन हालात जो हैं वो जस के तस बने हुए हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने भी लोगों से बातचीत की, सुनिए। गुरुग्राम में पिछले काफी समय से पीने के पानी को लेकर किल्लत चल रही है और वहीं इसी को लेकर जो गुरुग्राम के निवासी हैं वो खासा परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी इलाके में, जहाँ पर आप साफ तौर पर तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी के निवासी हैं आज इकट्ठा हुए हैं और लगातार जो पिछले एक महीने से समस्या यहाँ पर आ रही है कि पीने का जो पानी है वो इनके घरों तक नहीं पहुँच रहा है, जिससे बाहर से इनको जो है बात करें पानी खरीद कर जो है अपना गुजारा करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं टैंकर भी जो है ये मंगा रहे हैं, तो ऐसे में आज ये लोग सब इकट्ठा हुए हैं और इन्हीं से जानते हैं कि कितनी समस्या जो है इनको पिछले काफ़ी समय से आ रही है पानी को लेकर। पिछले बात करें कितने समय से जो है आप लोगों को समस्या आ रही है, पानी नहीं आ रहा है आपके? वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी हम पिछली बात छोड़ दें, लेकिन अभी एक महीने से हमारे यहाँ पर कोई भी पानी नहीं आ रहा है। हम पैसों से कभी टैंकर मंगवा रहे हैं, कभी भेज रहे हैं हमें पार्षद वगैरह, कभी नवीन गोयल जी हमें रोज़ टैंकर भेज रहे हैं, तभी हमारा गुजारा हो रहा है। और हमारे समाधान का जल्दी से जल्दी से निवारण करें। कितनी परेशानी जो है होती है क्योंकि पानी, रात भर उठ उठ के पानी के लिए ट्राई करते हैं लेकिन कोई भी पानी नहीं आता है। हमारे बच्चे सुबह ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, स्कूल जाने वाले होते हैं, बहुत हमें बहुत परेशानी होती है। देखिए साफ तौर पर काफ़ी भारी परेशानी जो है लोगों को उठानी, आप बताएंगे कितनी दिक्कत जो है जो होती है बिना पानी के गुजारा जो है नहीं होता है जीवन, आप बताएं कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी है, तभी तो हम आप लोगों से वो कर रहे हैं। रात को उठते हैं उसके बाद भी नहीं आता पानी, एक महीने चार दिन हो गए, बल्कि अब तो कपड़े हैं पड़ोसियों के यहाँ, मतलब रिश्तेदारों के घर भेज रहे हैं धुलवाने के लिए, पीने के लिए बिस्लेरी ले रहे हैं, बाकी टैंकर यूज़ हो रहे हैं वो भी कब तक लेंगे, महीने में 15 दिन फिर होता और बात, अब तो एक महीने से ऊपर हो गया, बहुत परेशानी हो गई। देखिए साफ तौर पर जो लोगों का कहना है कि काफ़ी परेशानी जो है इन लोगों को उठानी पड़ रही है, जो कपड़े जो ये लोग घर में धोते हैं वो कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों के घर पड़ोसों के घर इनको मजबूर होकर जो है वहाँ भेजने पड़ रहे हैं ताकि इनके जो मैले कपड़े हैं वो साफ हो सकें। और भी कुछ लोग हैं उनसे जान लेते हैं कि लगातार जो है पानी की समस्या गुरुग्राम में है, पीने के पानी और जैसे कि अभी बताया कि एक महीने से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, आपसे जानते हैं कितनी समस्या जो है आप लोगों की पीने के। देखो जी एक महीना चार दिन से तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, ये कृष्णा कॉलोनी है और अपरूर कॉलोनी है और अफसोस तो इस चीज़ का होता है कि बेसिक समस्याएं जो है लोगों की, चार पांच बेसिक समस्याएं हैं जिसके ऊपर हमारे प्रतिनिधियों को काम करना है, सरकार को काम करना है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बिजली है, पानी है, वाटर ड्रेनेज की सिस्टम की दिक्कत है और कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और मैं ये कहूँ कि कहने को तो ये कहते हैं किसी से बात करते हैं हमारे प्रतिनिधि कहते हैं मैंने इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इतने करोड़ रुपए का बजट हमने यहाँ पे लगा दिया, उस एरिया में लगा दिया, तो कहाँ पे लगाया वो है, कहाँ पे जमीन स्तर पर कहीं नज़र नहीं आता। तो मैं एक चंद पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है कि तू इधर उधर की बात छोड़, तू इधर उधर की बात छोड़, काफिला क्यों लुटा तू ये बता, हमें रहजन से कोई गिला नहीं, रहजन कहते हैं लूटने वाले को, हमें रहजन से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, चौकीदार तो तुम लोग हो। और ये समस्या आज एक महीने से लोग ऑफिस जाने को तरस रहे हैं, खाना बनाने को तरस रहे हैं, नहाने को तरस रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं का भी समाधान जो बेसिक नीड्स हैं, बताओ कैसे बच्चे नहाएंगे, कैसे टॉयलेट तक के लिए पानी नहीं है यहाँ पे, तो इन समस्याओं के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रशासन को क्या पता नहीं? जगह जगह हम लिख के दे आए हैं, बार बार लिख के दे के आए हैं, हम अपने प्रतिनिधि को बार बार बता चुके हैं, सचेत कर चुके हैं, उनको बार बार आग्रह कर चुके हैं कि इस समस्या का समाधान करवाएं और जल्द से जल्द करवाएं। ये तो युद्ध स्तर पर होने वाले कार्य हैं और अप्रूव्ड कॉलोनी में रह रहे हैं, हमें अब शर्म आती है कि हम ये बताते हुए हम अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बुला सकते अपने घर, तो ये कह रहे हो
सही क्या, हमारी बहन ने नाराज हो गई। हाँ, हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं कि कहाँ रह रहे हो तुम लोग। देखिए, साफ तौर पे जो लोगों में गुस्सा है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। लगातार काफी समय से परेशानी जो है इन लोगों को उठानी पड़ रही है। आप बताएं, जिस तरीके से कहा कि रिश्तेदारों को यहाँ नहीं बुलाया। बिल्कुल, हमारा कोई रिश्तेदार हमारे घर आगे राजी है, क्योंकि हम पानी ही नहीं दे सकते। हमें बिल्कुल मना कर देते, हम नहीं आएंगे, पानी आपके यहाँ पे है नहीं। नगर निगम में भी हमने बहुत कंप्लेंट कर दी पिछले एक साल से, तो बहुत ही कंप्लेंट कर रहे हैं, मगर कोई हमारी उस चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही। यही यहाँ पे आ गए, SDO आ गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक यहाँ आ गए लास्ट ईयर। हमें आश्वासन दे के गए थे एक साल पहले कि आपका काम हो जाएगा, आज तक कोई काम नहीं हुआ, कोई काम शुरू नहीं हुआ यहाँ पे। सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं हमें और कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। अंदर ऐसे ही परेशानी जो है आप लोग समस्या, तो आगे क्या कुछ आप हमने सबने अपने घर भी बेचने के लिए लगाए हैं, मगर कोई खरीदने भी नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पानी है कुछ है, जो भी आएगा वो कैसे रहेगा यहाँ पे। प्राइवेट टैंकर से हम कब तक गुजारा करेंगे। देखिए, साफ तौर पे लोगों में जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। नगर निगम प्रशासन के तमाम अधिकारी जो है यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान जो है इन लोगों का नहीं निकला है। अब ऐसे में ये लोग परेशान होकर जहाँ पर एक तरफ तो बात कर रहे हैं, अपना घर तक इन्होंने जो है सेल पर लगा दी है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जिस तरीके से ये पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार गुहार जो है ये अपने प्रतिनिधियों से जो यहाँ के इलाके के विधायक हैं उनसे भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का कोई समाधान जो है वो नहीं निकला है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये परेशानी जो है कब तक, कब से ये लोग जो है झेल रहे हैं, और आने वाले समय में ये तो पता लग पाएगा कि इनकी जो समस्या है उसका हल कब तक हो पाएगा। गुरुग्राम से कैमरामैन महूत के साथ आकाश खुराना, जनता टीवी, गुरुग्राम।